हेलो एवरीवन, लेट्स गो टेस्टी विद मरियम्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आप सभी का फेवरेट होममेड चिकन पिज़्ज़ा। यहाँ पर हमने 2 कटोरी मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 कटोरी दही। सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें गूंद लेना है। अब हम 1 टीस्पून इसमें ऑयल भी डाला है हमने। 1 से 1.5 घंटे तक के लिए हमें सेट होने रखना है अपने आटे को। यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाने के लिए 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एज़ पर टेस्ट नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 कटोरी दही, 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। हम सभी इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेते हैं इसमें। बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए हमें मैरिनेट होने रखना है। इसके बाद हम इसमें अपना चिकन फ्राई कर रहे हैं 10 से 15 मिनट के बाद। हमें बहुत अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पे हमारा डो तैयार हो गया है। अब हमें 2 स्लाइस में इसको कट कर लेना है। इसको हमें 2 हिस्सों में अलग कर लिया। हमारे यहाँ पे चिकन रेडी हो गया है। अब हम इसको बेल लेते हैं। हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है हमें। अब हम इसको ऐसे प्रेस कर लेते हैं अंदर की साइड से, एक गड्ढा सा बना लेते हैं। अब हम एक फॉक की हेल्प से इसमें होल्स करते हैं ताकि ये हमारा बेस फूले ना। अब हम यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं। 2 टीस्पून हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। अब हम यहाँ पे सभी की फेवरेट चीज़ लगा रहे हैं। हमें चीज़ बहुत अच्छे से डालनी है। अब हम इसमें यहाँ पे चिकन डालेंगे क्योंकि हम चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो हमें चिकन अच्छे से ही डालना है। अब यहाँ पे हमने प्याज और कैप्सिकम लिए हैं, इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा चीज़ हम और डालते हैं इसमें। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में अपना नमक हीट कर लिया था। अब हम इसमें पिज़्ज़ा रख रहे हैं अपना। दस से पंद्रह मिनट के बाद हम इसको खोल के देख रहे हैं। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना ही डिलीशियस लग रहा है। 15 मिनट बाद हमने इसको खोला है। बिना ईस्ट बिना ओवन के हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। आप भी अपने घर पर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमारा पिज़्ज़ा कैसा बना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।